नेक्स्ट है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशंस। तो अब तक कहानी ये थी कि ये स्टार्ट बहुत सारे साइंटिस्ट की स्टोरी चल रही थी जिन्होंने पहली बार स्पेशली हर्ट्ज ने ऑब्जर्व किया था कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन तो होता है, उन्होंने अंदाज़ा लगाया था फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होता है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि आइंस्टाइन आया, उसने बोला कि नहीं सच में होता है, उसने अपने लॉज बनाए और हमें बताया कि सच में फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है। जब ये काम कर रहे थे तो ध्यान गया लाइट पे कि लाइट की जो नेचर है उसको ध्यान से देखा गया तो आइंस्टाइन ने बताया कि इसकी सिर्फ वेव नेचर नहीं है, इसकी पार्टिकल नेचर भी है, फोटोन नेचर है। तो यहाँ तक हम कहानी कर चुके हैं और जिसके अंदर ये बताया गया कि कुछ फिनोमिनास ऐसे हैं जैसे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, जो कि एक्सप्लेन किए जा सकते हैं ओनली ऑन द बेसिस ऑफ वेव नेचर ऑफ लाइट। तो वेव नेचर एक्सप्लेन करता है उन्हें। और कुछ फिनोमिनास ऐसे हैं जैसे फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट, जैसे कॉम्प्टन अफेक्ट हमने किया नहीं पर ये भी फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट की तरह ही है, फोटोन सी नेचर लेके मानता है। तो ये जो अफेक्ट्स हैं ये मानते हैं कि कैन ओनली बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, और क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट का मतलब है एज्यूमिंग पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। क्लियर है यहाँ तक? तो इसका मतलब कुछ फिनोमिनास वेव्स की हेल्प से एक्सप्लेन किए जा सकते हैं और कुछ फिनोमिनास पार्टिकल को, लाइट को पार्टिकल मान के एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। ये हमने सीखा, इसीलिए क्या बोला जाता है कि लाइट की क्या है, ड्यूअल नेचर है, वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। क्लियर है? दैट इज समटाइम इट एक्ट्स लाइक वेव एंड समटाइम इट एक्ट्स लाइक पार्टिकल।